हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को Adobe Muse के इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको आगे इस्तेमाल हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैंने Muse खोल रखा है। ये आपके Muse से शायद थोड़ा हटके हो क्योंकि ये मैंने लेटेस्ट अपडेट किया है। अगर आप लोगों को जानना है कि कैसे अपडेट करें फ्री में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कैसे हम लोग अपडेट करें, तो मैं उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक Muse डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डाउनलोड कीजिए, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लोगों को डाउनलोड आपको नहीं पता है कि कैसे डाउनलोड करना है, तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आप लोग फ्री में Muse डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे वीडियोज़ बना के दूँगा, जिससे आप लोग ईजिली प्रोफेशनल वेबसाइट बहुत ही ईजिली क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प लिए दोस्तों, और अपने ही लॉन्च भी कर सकते हैं दोस्तों, अपने खुद की डोमेन से लेके लॉन्च भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेम है पुराने वाले Muse में भी यही सब चीज़ें, नए वाले में भी यही सब चीज़ें, बस लुक डिफरेंट हो गया है और काम थोड़ी फास्ट करती है, बस यही चीज़ें। अगर आपको पुराने वाले सब कुछ है तो पुराने वाले में ये वर्णनाएँ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दूंगा इसके ऊपर कि कैसे फ्री में लेटेस्ट अपडेट आप फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग सिंपल यहाँ पर जाके न्यू साइट पर क्लिक करके न्यू खोल सकते हैं, या फिर यहाँ से सीधा न्यू कर सकते हैं। ये हमारा रिसेंट फाइल्स है, मतलब जो मैंने रिसेंट वेबसाइट बनाया है उसके ये रिसेंट वेबसाइट्स हैं। तो आप लोग जिस पे काम कर रहे होंगे उसके आप लोग इजीली यहीं से जा सकते हैं, या फिर ओपन करके जा सकते हैं। आपको ये लिस्ट व्यू यहाँ से लिस्ट कर सकते हैं, यहाँ लिस्ट देखना है मुझे, आपको चाहे तो ग्रीड कर सकते हैं, जो भी कर सकता है अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे कॉलम पूछेगा आपको और पेज की हाइट पूछेगी। तो इस पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब सेम सिमिलर होता है। ये आपको जितने भी ले लें आपको अंदर सारा चेंज करना है। तो मैं इसे कॉलम यहाँ पे 5 लेता हूँ ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए दोस्तों। ये आपको क्या करता है, ये आपको गाइड करता है कि आप कौन सी चीज़ को कहाँ रखें, कौन सी चीज़ को कहाँ रखें, ये आपको गाइड करने में मदद करता है। तो जस्ट सिमिलर सिंपली ओके दबा दीजिए। और भी एडवांस सेटिंग है, आप चाहें तो नीचे चेक कर सकते हैं, बट उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये हो गया, ये हम अब Muse के अंदर घुस चुके हैं। ये हमारी पेजेस हैं, पहले होम पेज हो गया, आप जितने चाहे उतने होम पेज क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, जितने चाहे उतने पेज क्रिएट कर सकते हैं, और इसलिए जिसका नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों, इसलिए जो चाहे वो आप रख सकते हैं। और ये हमारा मास्टर पेज है। मास्टर पेज दोस्तों, मास्टर पेज और सिंपल पेज में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मास्टर पेज में क्या है कि आपने जो यहाँ मास्टर पेज में, जैसे कि मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने मास्टर पेज में ग्रीन दिखाया है, ये देखिए सारा पे ये ग्रीन अपडेट हो चुका है। अब ये अपने दूसरा मास्टर, आप जितना चाहे उतना मास्टर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जितने आप पेज क्रिएट कर सकते हो उतने ही आप मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो मास्टर पेज मैंने क्या किया, एक और लाइन बनाया और इसको मैं कलर ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि कोई किसी में भी पिंक अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारे ए मास्टर से कनेक्टेड है। आप चाहे तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं बी मास्टर से, तो ये देखिए बी वाला अपडेट हो गया। इसका मतलब ये है कि आप हेडर एंड फुटर जो भी बनाएंगे वो दोस्तों आप मास्टर पेज में बना सकते हैं, ताकि आपको हर पेज पे बनाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोग सिंपली चाहे तो ड्रैग कर सकते हैं, जो चाहे वो मास्टर आप किसी में भी लगा सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे रहने दूंगा और आगे चढ़ते हैं, आगे बता देता हूं मैं आपको। ये आपको सिंपल है, ये लिस्ट दिखाता है आपको, और ये हॉरिजॉन्टल व्यू दिखाता है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आपको जिसमें अच्छा लगे उसमें कर सकते हैं। ये आपको साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, फिर आपके एक पेज के नीचे सब पेज भी बना सकते हैं, सब पेजेस बना सकते हैं, और इसको इसलिए नेम दे सकते हैं। उस सब पेजेस के अंदर भी आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, आप जितने चाहे उतने पेज क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, वो भी बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मास्टर पेज। इस क्या करेगा, आपको मास्टर शो नहीं करेगा कि आपको कौन सी पेजेस आपकी किस मास्टर से कनेक्टेड है और कौन सी मास्टर किस पेज से कनेक्टेड नहीं है। तो एक बस सिंपल ये है। उसके बाद थंबनेल्स क्या होता है दोस्तों, कि आपको यहाँ जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन यहाँ पे पिंक, ये आपको नहीं दिखेगी, आपको सारे पेज सिमिलर लगेंगे। और थंबनेल क्रिएट करते ही सारे पेज दिखेंगे कि उस पेज में क्या कंटेंट हमने बनाए हुए हैं। सिंपल यही है, साइज़ की आपको पता लग गई। अब कुछ फाइल्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि मैंने होम खोला। उसके बाद यहाँ पे फाइल्स, यहाँ पे बहुत कुछ, सारे फोटो सबसे सिमिलर है। आपको क्या करते हैं, पेज इन ए ब्राउज़र, ये प्रीव्यू इन ए ब्राउज़र, ये क्या होता है, आपको ब्राउज़र के अंदर प्रीव्यू हो जाता है, प्रीव्यू करके दिखाता है। जैसे मैंने ये देखी, ब्राउज़र के अंदर प्रीव्यू हो चुके हैं। ये क्या करता है कि
प्रीव्यू पेज इन ए ब्राउज़र, इसका मतलब ये है कि आपका जो आप करंट पेज पे हैं उस पेज को आपको ब्राउज करके दिखा देगा। और प्रीव्यू साइट इन ए ब्राउज़र, इसका मतलब ये है कि आपको पूरे साइट को ये प्रीव्यू करके दिखाएगा। इसका मतलब आप जब चाहे किसी भी पेज पे आप लोग लिंक करने के बाद आप किसी पेज पे भी वहीं से मूव कर सकते हैं। बट प्रीव्यू पेज इन ए ब्राउज़र में आप एक ही पेज को प्रीव्यू कर सकते हैं। आप चाहेंगे कि मैं दूसरे पेज पे जाऊँ तो वो पेज आपको प्रीव्यू नहीं करेंगे। आप सिमिलरली यहीं पे हैं, आप यहाँ से भी प्रीव्यू कर सकते हैं। ये Adobe Muse का खुद का प्रीव्यू बॉक्स है, आप यहाँ चाहे तो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। पब्लिश, यहाँ से आप पब्लिश इजिली अपने HTTP होस्ट का ID डालिए और यहाँ से आपका होस्ट हो जाएगा। बिजनेस कैटलिस्ट में, इसमें आपका क्या होता है, Adobe में से रिलेटेड है। आपको जब चाहे आप ब्राउज़र से अपने वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। आपको कुछ कंटेंट चेंज करना है और आप चाहते हैं कि Muse यूज़ ना करें तो आप वो वेबसाइट को आप ब्राउज़र से भी एडिट कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट इन HTML, आप चाहे तो ये इस पेज को जो आपने वेबसाइट बनाया है उसको आप HTML में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वेरी इजीली, यहीं से हो जाता है सब कुछ। तो सब आप यहीं से कर सकते हैं। और देख लेते हैं और क्या चीज़ें, आप चाहे तो यहाँ से ये जो विजिट होते हैं जैसे बटन लेना, फॉर्म लेना, मेन्यू लेना, पैनल लेना, ये सब आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियो में आपको सब बताऊँगा। फिर इंसर्ट HTML कोड, यहाँ से आप HTML कोड इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने खुद की कोड लिख सकते हैं यहीं पे, और यहाँ पे ओके क्लिक करते ही वो HTML का पेज यहाँ पे आपको जो चीज़ आप इंसर्ट करवाएंगे वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा और उस चीज़ को आप जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा सकते हैं वेरी इजीली। तो यही सब चीज़ें हैं। यहाँ पे फील है, आप जब चाहे कोई भी कलर यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। कलर हो गया, ये स्टॉक लेना चाहते हैं स्टॉक, आपको पता ही होगा दोस्तों, आप फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि स्टॉक होता क्या है। तो सिमिलर है, सिंपल है। ये देखिए हमारा ये हो गया स्टॉक, हो गया ये देखिए उसकी, सिंपल है। और फिर ये हो गया आपका कोने को गोल करने के लिए, वो सब करने के लिए ये सब चीज़ें आप जितने चाहे उतने बढ़ा सकते हैं। सॉरी मैंने ये सिलेक्ट नहीं किया है, सिलेक्ट करके आप इसे ये देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए 50 करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इजीली सर्कल हो गया, आप चाहे तो एक को कर सकते हैं। और ये देखिए आप जिस साइड चाहे उस साइड कर सकते हैं। फिर ब्राउज फाइल, आप चाहे तो यहाँ फोटो इस, एक मिनट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप चाहे तो इस पर आप फोटो भी रख सकते हैं, जैसे कि ये मैंने रखा, ये देखिए यहाँ फोटो आ गया। अब चाहे तो ये फ़ोटो को आप ओरिजिनल साइज़ में फिट कर सकते हैं, ट्रे स्केल कर सकते हैं, जो चाहे आप वो कर सकते हैं, पेज को जहाँ चाहे वहाँ ला सकते हैं। ये देखिए, और सिंपल आप चाहे इफेक्ट दे सकते हैं, यहाँ से बहुत सारा इफेक्ट है, आप जो चाहे वो इफेक्ट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में आप लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आपको वेबसाइट बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। और प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, पीस।